हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज मैं डिस्कस करूंगा ट्रायंगल का जो सबसे मेन पार्ट है, इसका जो बेसिक है उसके बारे में, कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट हम कैसे कर सकते हैं। दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, और अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके बाद उसके कौन कौन से पार्ट इक्वल आते हैं, कौन सा एंगल इक्वल आएगी, कौन सी साइड इक्वल आएगी। अब आज की इस वीडियो के बाद अगर आपने अच्छी तरह इस वीडियो को देख लिया, समझ लिया, तो जो कॉन्ग्रुएंसी वाली जो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए आपकी जो ख़त्म हो जाएगी प्रॉब्लम। अदरवाइज़ ये कॉन्ग्रुएंसी का ये ऐसा होता है कि अगर ये समझ में आ जाए तो बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन के साथ ही आंसर दिया होता है कि ये प्रूव करो। अगर समझ में नहीं आती है तो बेटा ये याद भी नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो आज स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं कॉन्ग्रुएंट के बारे में बात करूँगा। भाई कॉन्ग्रुएंट, अगर मैं कहता हूँ कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट, दो स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट, दो रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट, तो ये कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि एक के ऊपर एक अगर मैं रखता हूँ, जैसे मैंने एक हाथ ऐसे रखा तो ये ऊपर वाला हाथ नीचे वाले को पूरी तरह ढक दे रहा है। अब ऐसे ही मैं उल्टा देखता हूँ, अब ये नीचे वाला हाथ जो ऊपर आ गया ये भी इसको पूरी तरह ढक रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों हाथ मेरे आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर मैं एक फिगर के ऊपर दूसरी फिगर रखता हूँ और वो एक दूसरे को पूरी तरह ढक देती है दोनों तरफ से, तो वो दोनों फिगर क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट। वैसे कॉन्ग्रुएंट में अगर देखा जाए तो अगर फिगर कॉन्ग्रुएंट है, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, तो उनका एरिया भी हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। अब देखो, अब ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि भाई सर आपने तो बोला था कि एक के ऊपर एक रखो पूरी तरह ढक दिया, तो ऐसे नहीं कि जैसे मैंने एक ट्रायंगल ये छोटा सा लिया, एक बड़ा ट्रायंगल, अगर मैं इस ट्रायंगल को इसके ऊपर रखूँगा तो ढक देगा, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ, क्योंकि दोनों तरफ देखेंगे तो इसके ऊपर ये भी रखेंगे, अगर ये नहीं ढक पा रहा है तो इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट, अगर देखो सबसे पहले मैंने कॉन्ग्रुएंट से पहले प्रूव कैसे करें, तो सबसे पहले मैं सिंपल सा ले रहा हूँ, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, पहले से दिए, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके कौन कौन से पार्ट इक्वल होंगे, तो वो आप कैसे बताओगे? देखो सबसे पहले मैंने लिया कि मुझे मान लो दे रखा है ट्रायंगल एबीसी, कॉन्ग्रुएंट दे रखा है ट्रायंगल एक्स वाई जेड के, ये हमें पहले से गिवन है कि ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट किसके है? ट्रायंगल एक्स वाई जेड। तो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंट का साइन है इक्वल का साइन और ऊपर एक कर्व लगा देना है, ठीक है ना, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन हो गया। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो देखो उसमें क्या 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 पार्ट इक्वल होंगे, पहला के इक्वल, मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल एक्स, दूसरा एंगल बी इक्वल टू एंगल वाई, तीसरा एंगल सी इक्वल टू एंगल जेड। एंगल ए एक्स के इक्वल होगा, बी वाई के इक्वल होगा, सी जेड के इक्वल, मतलब पहला पहले के, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के। आप ऐसे नहीं कर सकते कि ए इक्वल टू वाई लिख दिया, बी इक्वल टू जेड लिख दिया, सी इक्वल टू एक्स, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। तो इसमें अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, दूसरा साइड्स इक्वल होंगी, तो साइड में कौन, पहले दो कौन है ए बी, यहाँ पहले दो कौन है एक्स वाई, तो ए बी एक्स वाई के इक्वल होगा, और बी सी किसके इक्वल होगा? वाई जेड के। ए सी किसके इक्वल होगा? एक्स जेड के। ए बी एक्स वाई के, बी सी वाई जेड के, और ए सी एक्स जेड के। ये कब होगा? जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो। मान लो मैं इसकी जगह ट्रायंगल आर पी क्यू ले लिया, तो अब इन दोनों ट्रायंगल अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो अब कौन कौन से पार्ट इक्वल होंगे? देखो ए, एंगल ए किसके इक्वल होगा? आर के। बी किसके इक्वल होगा? पी के। सी किसके इक्वल होगा? क्यू के। और साइड कौन कौन सी? ए बी, पहली दो इक्वल टू, पहली दो कौन है? आर पी। बी सी किसके इक्वल है? पी क्यू के। और ए सी किसके इक्वल है? आर क्यू के। कि जो इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो आपस में इक्वल होंगी। तो देखो सबसे पहली बात कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके कौन कौन से पार्ट इक्वल हैं, तो ये मैंने लिख दिया। अब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने, अब कैसे करें?
कि अगर कैसे बताएं कि ये कॉन्ग्रेंट है या नहीं है। तो देखो, कॉन्ग्रेंट करने के लिए हमारे पास है ना टोटल वैसे चार प्रॉपर्टीज हैं, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल और आर एच एस। अब इसमें ये प्रॉपर्टी के साथ ए ए एस भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इन दोनों को एक ही प्रॉपर्टी मानते हैं हम। तो हमारे पास टोटल चार प्रॉपर्टी है, इन चार प्रॉपर्टी से हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करते हैं, ठीक है ना। अब इस वीडियो में मैं आपको आपसे डिस्कस करूँगा प्रॉपर्टी वन एंड प्रॉपर्टी टू कि वन एंड टू। देखो, साइड 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 का मतलब है कि एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल हो। कैसे? जैसे मैंने दो ट्रायंगल लिए ए बी सी, ये मैंने ले लिया एक्स वाई जेड। अब देखो, साइड 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 मतलब इस ट्रायंगल की तीनों साइड इस ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल है। तो देखो वो कैसे देगा, ये साइड इसके इक्वल, एक डैश एक, तो इसका मतलब ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। दूसरा दिया उसने ये, तो ये वाली साइड इसके इक्वल, बी सी इसके इक्वल, तीसरी साइड ये। तो ये एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल है। तो देखो, अब ये कौन सा ट्रायंगल कि आप क्या लिखोगे, ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू एक्स वाई जेड लिखोगे या वाई जेड एक्स लिखोगे या जेड एक्स वाई लिखोगे, मेन है वो लिखना। ए बी सी ट्रायंगल एक्स वाई जेड लिखोगे, वाई जेड एक्स लिखोगे, ऐसे नहीं कि ए बी सी एक्स वाई जेड के लिख दिया तो ज़रूरी नहीं हमेशा ठीक हो, मैक्सिमम टाइम गलत भी होता है। अब देखो लिखोगे कैसे, सबसे पहले मैंने वो लिखा कि कौन कौन सी साइड इक्वल है, पहले वो लिखा। क्या लिया, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड। बोलो भाई क्या क्या इक्वल है। अगर मैं देखता हूँ ए बी, ए बी किसके इक्वल है, वाई जेड। दूसरा बी सी किसके इक्वल होगा, एक्स वाई के। तीसरा ए सी किसके इक्वल होगा, एक्स जेड के। तो हमने देखा ये साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल लिख दिया। तो क्योंकि एक साइड 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 तो तीनों साइड, तो बाई एस 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 से, बाई एस 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 से दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रेंट। अब देखो कॉन्ग्रेंट कैसे लिखोगे, पहला ट्रायंगल ऐसे लिख दो ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल, एक दो तीन, मैंने स्पेस छोड़ दिए। इसको ध्यान से देखना, देखो पहले दो पे ए बी, ए बी ए बी किसके इक्वल, वाई जेड। तो इसका मतलब इन दोनों पे आएगा वाई और जेड, जेड वाई भी हो सकता है, वाई जेड भी हो सकता है, अभी अभी मत लिखना कुछ भी। वाई और जेड, बच कौन गया एक्स, जो बच गया वो यहाँ लिख दिया, जो बच गया वहाँ लिख दिया। अब आगे देखते हैं, और देखो बी सी, बी सी किसके इक्वल है, एक्स वाई, तो बी सी लास्ट में है तो मतलब एक्स वाई लास्ट में है, तो कौन बच गया, एक्स वाई लास्ट में, तो यहाँ जेड बच गया, तो और कौन सा बचा, वाई। अब देखो अगर आप एक्स वाई जेड लिख देते हो, देखो आपको ना ये लिखने के बाद आपने ना ये कंपेयर भी करना कि आपने जो लिखा क्या गलत तो नहीं लिखा। कैसे, जैसे ए बी वाई जेड या जेड वाई, ठीक है, बी सी एक्स वाई, ठीक है, ए सी जेड एक्स, वो भी ठीक है, ठीक है। तो आपने ये इसको लिखने के बाद ये चेक भी करना कि ये आपने कहीं गलत तो नहीं लिख दिया, क्योंकि बाई चांस अगर आप लिख देते, यहाँ मैं एक्स वाई जेड लिख देता हूँ, तो यहाँ देखो ए बी इक्वल टू एक्स वाई होना चाहिए, पर ए बी इक्वल टू वाई जेड है, तो मतलब हमने ये गलत लिखा है। तो ये प्रॉपर्टी होगी हमारी एस एस एस। अब मैं बात करूँगा एस ए एस। देखो साइड 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 में तो एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल है, वो तो देखते ही पता चल गया। दूसरी प्रॉपर्टी है एस ए एस। तो एस ए एस में पता चल रहा है कि एक साइड उसके बीच में एंगल, ठीक है ना, कि दो साइड दे रखी है, दो साइड इक्वल होनी चाहिए, एक ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होनी चाहिए, और उन दो साइड जो इक्वल साइड है ना उसके बीच वाला एंगल भी इक्वल होना चाहिए दूसरे ट्रायंगल कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के। कैसे, जैसे मैंने ट्रायंगल लिया ए बी सी एक्स वाई जेड या पी क्यू आर ले लेता हूँ,
तो देखो ये साइड मान लो इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये वाला एंगल बीच वाला एंगल इस बीच वाले एंगल के इक्वल है, तो मैं क्या लिखूंगा? देखो तो प्रॉपर्टी तभी तो बनी, दो साइड और उसके बीच में एंगल, तभी ये साइड एंगल साइड बनी। ऐसे नहीं कि दो साइड इक्वल हो एंगल कहीं भी हो, तब नहीं, दो साइड के बीच का एंगल इक्वल होगा तभी एस ए एस बनेगी बेटा। अब मैं एस ए एस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इसमें देखो क्या क्या इक्वल है, लिखो ए बी, ए बी किसके इक्वल है, क्यू आर के। दूसरा एंगल ए, जो भी एंगल है वो भी इक्वल, लिखो एंगल ए इक्वल टू आर। तीसरा ए सी साइड किसके इक्वल है, पी आर के। तो बाय एस ए एस ए ट्रायंगल ए बी सी, पहला तो अपने तरफ से ऐसे लिख दो ट्रायंगल एक दो तीन, ये स्पेस, क्योंकि यहाँ आप ऐसे नहीं लिख पी क्यू आर लिख दोगे, पी क्यू आर लिख दोगे तो गलत भी हो सकता है ठीक भी हो सकता है, फिर ये भगवान भरोसे होगा। तो आपने भगवान भरोसे नहीं रहना है, आपने एक्चुअल लिखना है कि इसके हिसाब से क्या आएगा। देखो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ, देखो पहले ए बी, ए बी किसके इक्वल है, क्यू आर, तो इसका अगर यहाँ क्यू आर आएगा तो बच कौन गया, पी, तो इस तीसरे वाले पॉइंट पे मैंने लिख दिया पी, एक हो गया। अब दूसरा एक और सबसे बेस्ट है एंगल के हिसाब से, एंगल ए किसके इक्वल है, आर के, तो ए यहाँ ए कौन है, ए के, तो ए किसके इक्वल है, आर, तो यहाँ ए फर्स्ट पे है तो आर भी फर्स्ट पे आ गया, तो कौन बच गया, क्यू, कौन बच गया, क्यू। ए बी सी क्या आ गया, कॉन्ग्रुएंट टू आर क्यू पी के, ठीक है ना। अब एक चीज़ और, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका जो बाकी पार्ट है ना, जो बाकी पार्ट बच गए, चाहे एंगल है या साइड है, वो भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। कौन कौन से पार्ट होंगे, देखो एंगल ए आर के इक्वल होगा, वो तो दे रखा, छोड़ो, एंगल बी हमारा होगा एंगल क्यू के, और एंगल सी हमारा होगा एंगल पी के, और ए सी दे रखा है बी सी, और बी सी जो साइड है वो हो जाएगी क्यू पी के, और इन सभी के लिए जो रीजन होगा, इन सबको प्रूव करना, एक ही इसका जो रीजन क्या लिखोगे, बाय सी पी सी टी, कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके जो बाकी के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो जो सी पी सी टी का जो मतलब होता है, फुल फॉर्म होती है सी पी सी टी की, ये होती है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कि जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा, हमने टोटल हमारे पास चार प्रॉपर्टीज़ हैं, दो प्रॉपर्टीज़ हम अगली वीडियो में सीखेंगे कैसे उनको, दो प्रॉपर्टी से ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इस वीडियो में हम सीखा कि अगर तीनों साइड इक्वल हैं दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के, तो ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर दो साइड और उसके बीच का एंगल इक्वल है दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के, दो साइड और उसके बीच के एंगल के, तो कैसे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे इक्वल होते हैं। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।